सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आया था 1 जुलाई 1930 को, लागू किया गया था कब से, 1 जुलाई 1930 से। सेल्स ऑफ गुड्स, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पे गुड्स को हमें सेल करना है, ट्रांसफर करना है उसका ओनरशिप को, यानी आप सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। या तो गुड्स को बेचना या फिर प्रॉमिस करना कि हम फ्यूचर में आपको इतने रुपए का गुड्स या फिर इतना गुड्स सेल करेंगे, फ्यूचर में गुड्स को सेल करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। और अगर आज की डेट में ही हम सेल कर रहे हैं तो उसको सेल्स ऑफ गुड्स कहते हैं। अब सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर कौन कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं, ऐसे गुड्स जिसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि इसमें लैंड्स नहीं आते जिसको हम एक जगह से उठा करके दूसरी जगह दे सकते हैं, नहीं, यहाँ पर सिर्फ मूवेबल गुड्स आते हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो गुड्स कोई भी हो सकते हैं, या तो ज्वेलरी हो सकती है या फिर कुछ खाने पीने का सामान हो सकता है जिसको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक एंड शेयर्स को भी हम